डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर इस तरह के टेम्पलेट फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं लिंक इन इन द डिस्क्रिप्शन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एनालाइज करना है इसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन क्वेश्चन के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में पहला क्वेश्चन है आज का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है हर साल ऑप्शन है ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेब्रेन ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब्रवरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी आज के दिन ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है कारण जान लेते हैं क्यों इस ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर को ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है तो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी 1952 को क्या हुआ था जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले बांग्लादेश है अभी प्रेजेंट का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और जब इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे उस समय पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट की गई थी वो उर्दू अडॉप्ट कर ली गई थी तो जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे काफी इसके लिए प्रोटेस्ट किए गए थे बंगाल बंगाली लैंग्वेज के लिए क्योंकि वही उनकी मदर लैंग्वेज थी तो ट्वेंटी टू को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें जो चार प्रोटेस्टर्स थे वो भी मारे गए थे इसके कारण ही ये जो इस तरह का पहला ये प्रोटेस्ट था फॉर देयर मदर लैंग्वेज तो इसके बाद 1999 में यूनेस्को ने मदर लैंग्वेज डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को अनाउंस किया था और 2002 में यूएनजीए यूनाइटेड एड नेशन जनरल ने इसे ऑफिशियली फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया था इसलिए हर साल ट्वेंटी फर्स्ट फेबरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है क्वेश्चन यदि यह बनता है कि किसका आइडिया था पहली बार किसका इनिशिएटिव था मदर लैंग्वेज डे के लिए तो बांग्लादेश का इनिशिएटिव था ये ये भी आपको याद रखना है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मल्टीलिंग नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इसका थीम है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 का रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग नीति आयोग का सीईओ रिसेंटली किससे अपॉइंट कर दिया गया है ऑप्शंस है परमेश्वरन अय्यर सुमन बेरी ए बीवीआर सुब्रमण्यम एंड अरविंद पंगरिया उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम रिसेंटली बीवीआर सुब्रमण्यम को अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीई ऑफ नीति आयोग इससे पहले परमेश्वरन परमेश्वर कोई दो हजार 2022 में अपॉइंट किया गया था एज द सीई ऑफ नीति आयोग बट अभी परमेश्वर अयर जो है वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं इसलिए उन्हें अब रिप्लेस कर दिया है बीवीआर सुब्रमण्यम ने हू वाज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग पहला सीईओ कौन था नीति आयोग का ऑप्शंस हैं राजीव कुमार अमिताभ कांत सिंधु श्री खुल्लर एंड नन ऑफ द अबव इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंधु श्री खुल्लर सिंधु श्री खुल्लर जो थी आपकी पहली सीईओ थी नीति आयोग की पहली सीईओ थी इसके साथ ही इकलौती महिला सीईओ भी यही रही हैं नीति आयोग की नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं नीति आयोग 1st ऑफ जनवरी

स्टैटिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट सीईओ हमने देख ही लिया खुल्लर और करेंट में अब जो सीईओ वो सुब्रमण्यम अपॉइंट कर दिए गए बात करें चेयरपर्सन की चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर आपके चेयरपर्सन होते हैं सीईओ के बारे में हमने बात कर ली है उत्तराखंड में भी रिसेंटली स्टार्ट की गई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑप्शन है।, एक है मंगोलिया जापान उजबेकिस्तान एंड तजिकिस्तान उसका जो करेक्ट आंसर है वो है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान के साथ में डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कन्वर्ट करता है इंडिया मंगोलिया के साथ में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मंगोलिया के साथ में नोमेडिक एलिफेंट नाम की एक होती है, जो के बारे में हम महीने भर से बात कर चुके हैं धर्म गार्जियन वीर गार्जियन और जिमेक्स तीन एक्सरसाइज होती है उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलेक एक्सरसाइज करता है इंडिया रिसेंटली हु इलेक्टेड एज दिक्सटी 62nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के प्रेसिडेंट रिसेंटली किससे अपॉइंट कर दिया गया है ऑप्शन है स्वरा भट्टाचार्य रुचिरा कंबोज मेघना पंडित एंड नफ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुचिरा कंबोज रुचिरा कंबोज को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज ए सिक्सटी सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं रुचिरा कंबोज इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस में उन्हें ही रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड सोशल डेवलपमेंट कमीशन रिसेंटली विच कंट्री है सक्सेसफुली हैंग फिफ्टीन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग फिफ्टीन नाम की आईसीबीएम रिसेंटली किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है ऑप्शन है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चाइना और जापान तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली नाम की आईसीबीएम रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया फ्यूल की बात करें इसमें तो लिक्विड फ्यूल लिक्विड प्रोपेलेंट इसमें यूज किया गया है रिसेंटली इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अवार्डेड नेशनल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किया है नेशनल ज्योग्राफिक ने ऑप्शन है संजय श्रीवास्तव के रघवन अनिल अग्रवाल एंड कार्तिक सुब्रमण्यम इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्तिक सुब्रमण्यम कार्तिक सुब्रमण्यम को रिसेंटली इस पिक्चर के लिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस पिक्चर के लिए अवार्ड कर दिया गया है पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द नेशनल जोग्राफिक रिसेंटली एटीन वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विड्ड सिक्योरिटी कांग्रेस किस सिटी में अभी हुई है रिसेंटली ऑप्शन है मुंबई जयपुर न्यू डेली एंड हैदराबाद करेक्ट आंसर है जयपुर जयपुर में रिसेंटली एटीन वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस अभी हेल्ड की गई थी किसने ये कंडक्ट की थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये होस्ट की थी इसके अलावा यूनियन इंटरनेशनल डेस्क यू (UIC) और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मिलकर इस कांग्रेस का कंडक्शन करता है वॉट इज इंडिया रैंक एट दी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में ऑप्शन है 59th 65th 78th एंड 89th इसका करेक्ट आंसर है 65th 65th रैंक है इंडिया की ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में 2023 के कंडक्ट कौन कराता है इसे वाइट शील्ड एक वाइट शील्ड एडवाइजरी फर्म है पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है जो कि इसका कंडक्शन करता है ग्लोबल लेवल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स का ये जो इंडेक्स है इट इज एन एनुअल रिपोर्ट दैट कंट्रीज फॉर द रेजिलियंस रेजिलियसर मार्केट्स लेबर मार्केट्स का जो रेजिलियंस है उसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स जो है है निकाला जाता शील्ड एडवाइजरी फर्म इसको निकालता है रिसेंटली हु बिकेम इंडिया मास्टर इंडिया का एटीएस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया ऑप्शन है कौस्तव चैटर्जी एम एन आर विग्नेश और नन ऑफ द अब तो इसका आंसर आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले सेवेंटी ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव चटर्जी सेवेंटी नाइन्थ मास्टर थे एम प्रनेश और जब ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विग्नेश ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है एनआर विग्नेश और ये आपके बन गए हैं करेंटली एट्टी ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इंडिया यूपीआई विल बी लिंक विथ विच कंट्रीज पे नाउ फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज इंडिया का यूपीआई पेनाओ से लिंक कर दिया गया है रिसेंटली फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस किस कंट्री के साथ में ये किया गया है पेनाओ किस कंट्री का है जिसके साथ में ये लिंक किया गया है यूपीआई ऑप्शंस हैं जापान सिंगापुर यूएसए और स्विट्जरलैंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर सिंगापुर किस पेनाओ के साथ में रिसेंटली लिंक कर दिया गया है यूपीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस इंडिया के जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है रवि मेनन इन्होंने एक करार किया है जिसमें यूपीआई और पे नाउ लिंक किए जाएंगे फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस इसके लिए जो चार्ज किया जाएगा वो टेन परसेंट अमाउंट जो है एज अ फी चार्ज किया जाएगा फॉर द मनी ट्रांसफर्स रिसेंटली नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन विस सिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क किस सिटी में फाउंडेशन uh, स्टोन रखा गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ऑप्शन है पुणे नागपुर न्यू डेली एंड मुंबई तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर नागपुर में फाउंडिंग फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन uh, नितिन गडकरी जी के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क का जिसका नाम क्या है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क अगला क्वेश्चन है रिसेंटली कमला कस्तूरी पास अवे शी अ कमला कस्तूरी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी ये आपके एजुकेशनिस्ट थी ऑप्शनिस्ट पेंटर और आर्टिस्ट इसका जो करेक्ट आंसर है ये है इन्वायमेंटलिस्ट कमला कस्तूरी एनवायरमेंटलिस्ट थी इन्होंने इन्होंनेटल सोसाइटी इन्वायरमेंट सोसाइटी चेन्नई की स्थापना की थी इसके अलावा इन्होंने कई कैंपेन्स चलाए थे लाइक कैंपेन्स टू सेव कावेरी रिवर

करेंट आपके चेयरमैन है ट्राई के टेलीकॉम रेगुलटरी अथॉरिटी संतोष कुमार श्रीवास्तव अनिल कुमार लाहौटी चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रेलवे बोर्ड ये कुछ करंट चेयरमैन है आपको चारों ये पता होने चाहिए ट्राई के बारे में बात करें ट्राई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में

गई है रिसेंटली नेवी मैंस को और इसमें है, है हमारे थर्टीन एम पीस को सांसद अवार्ड दिया जाना है इस साल दिस अवार्ड वॉज इस्टैब्लिड इन विच किस साल ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था सांसद अवार्ड किस साल इस्ट किया गया था ऑप्शन है टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टेन 2012 एंड 2014 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2010 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था आपका सांसद अवार्ड सांसद अवार्ड जो था वो आइडिया था एपीजे अब्दुल कलाम का जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम उनका एक आइडिया था उनका सजेशन था और ये स्टार्ट किया गया था 2012 में बाय प्राइम पॉइंट फाउंडेशन एंड ई मैगजीन प्रेजेंस ई मैगजीन प्रेजेंस और प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये 2010 में और आइडिया किसका थे एपीजे अब्दुल कलाम का आइडिया था ये आपको याद रखना है इस साल 13 एम को सांसद अवार्ड अवार्ड किया जा रहा है स्लम सॉकर अ फुटबॉल प्रोजेक्ट एम्ड एट एजुकेटिंग एंड एलिवेटिंग दी होमलेस पॉपुलेशन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दी लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड फॉर गुड अवार्ड स्लम सॉकर इज बेस्ड इन विस सिटी स्लम सॉकर जो है एक फुटबॉल प्रोजेक्ट है एम करता है ये एजुकेटिंग एंड एलिवेटिंग दी होमलेस पॉपुलेशन किस सिटी से बिलोंग करता है स्लम सॉकर ऑप्शन है मुंबई नागपुर पुणे और न्यू डेली इसका करेक्ट आंसर है न्यू डेली न्यू डेली बेस्ड स्लम सॉकर है ये जो कि एक प्रोजेक्ट है जो रिहेबिलिटेट करता है होमलेस पीपल को ये अवार्ड की बात कर रहे हैं हम लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड की तो दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी दिया जा सकता है ये

मिक्स टीम गोल्ड जीता है ऑप्शन है टेनिस बैडमिंटन आर्चरी एंड शूटिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शूटिंग रिसेंटली आई एस एस एफ वर्ल्ड कप कायरों में कंडक्ट किया गया है इजिप्ट की कैपिटल कायरों में कंडक्ट किया गया है तो इसका जो मिक्स्ड गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है नर्मदा एंड रुद्राक्ष ने तो ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा और रुद्राक्ष किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो शूटिंग से एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग से रिलेटेड है ये

तो ये सिटी जो आपके डिजिटल समिट है इंडिया डिजिटल समिट न्यू दिल्ली में होने वाली है इस साल इसके अलावा पीयूष गुप्ता जो है वो इसमें एक अपना भाषण भी देने वाले हैं आज के दिन कल का क्वेश्चन था आपका शंकुला टनल इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का करेक्ट आंसर था लद्दाख लद्दाख में शंकुला टनल का कंस्ट्रक्शन होने वाला है कल के लिए क्वेश्चन है रिसेंटली टू असिस्ट रिलेटेड टू आधार कार्डीज लॉन्च इम्ड ऑप्शन है प्रथम आधार बॉक्स आधार में देना है इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में तब तक पढ़ते रहिए एंजॉयर स्टडीज एंड स्टेट यूनिविज